हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल क्लास 10 मैथ्स की कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज आज हमारी कंप्लीट होने वाली है। मींस हमारी पीवाईक्यू सीरीज का आपके सिलेबस में टोटल 14 चैप्टर्स हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 14 है पीवाईक्यू सीरीज का, और आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 11 और हमारी पीवाईक्यू सीरीज का लास्ट चैप्टर। और इससे पहले की सारी पीवाईक्यू सीरीज आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगी, जिसमें हमने सारी सीरीज में सबसे पहले चैप्टर की ब्रीफ इंट्रोडक्शन की है, सो दैट कि अगर आपको चैप्टर में थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको इंट्रोडक्शन से चैप्टर क्लियर हो जाए, देन आप उसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाए। उसके बाद हम कवर अप करते हैं सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, देन हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर हमने कुछ चैप्टर्स में अपनी थ्योरम्स भी डिस्कस की हैं, टू प्रूफ के क्वेश्चंस भी किए हैं ट्रिगोनोमेट्री में, देन हम डिस्कस करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस, और लास्ट में हम कवर अप करते हैं अपने एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो ओवरऑल चैप्टर के अंदर जितना भी कंटेंट है जो आपका एग्जाम में आ सकता है सारा का सारा हम कवर अप कर लेते हैं। सो इस वीडियो में हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू द सर्कल के पीवाईक्यू और ये सारे टॉपिक्स कवर। सो वीडियो को स्किप नहीं करना, बिकॉज इस वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ इस वीडियो में कवर अप हो जाएगा। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आपके पास, बट इस चैप्टर से आपके पास MCQs काफ़ी आते हैं, सर्कल से और एरिया रिलेटेड टू द सर्कल से आपके MCQs काफ़ी सारे बनते हैं। तो देखो छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है हमारा इंट्रोडक्शन का वो हमारा क्या है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, बट इस कंप्लीट सर्कल को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आप एक केक लेते हैं, ठीक है, एक केक का एक पार्ट कट कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे ट्रायंगल शेप में एक पार्ट कट कर लेते हैं, तो वही चीज़ है कि हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल शेप में इसका एक पार्ट कट किया है, ठीक है। तो जो ये पार्ट हमने कट किया है ट्रायंगल शेप में, ये हमने किया है इनकी इसकी दो रेडियस की हेल्प से, ठीक है। तो अगर हम एक पार्ट कट कर रहे हैं सर्कल का बाय यूजिंग टू रेडियस एंड एन आर्क, इसको क्या बोलते हैं सर्कल की आर्क बोलते हैं, मतलब अगर दो रेडियस यूज हो रही हैं, टू रेडियाई प्लस वन आर्क, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल का एक सेक्टर है, मतलब एक सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है जी, राइट। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जो ये हमारा छोटे वाला सेक्टर बन रहा है, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम देते हैं माइनर सेक्टर, राइट। और जो ये हमारा बड़े वाला बन रहा है बाहर की तरफ, जो बड़े वाला पार्ट बन रहा है दो रेडियस को यूज़ करके और बड़ी आर्क को यूज़ करके जो बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड माय मेजर सेक्टर, ठीक है, आई बात समझ में। सेक्टर कब बनता है, जब दो रेडियस और एक आर्क को यूज़ करते हैं। अब जब ये एंगल हमने कट किया है, तो सपोज करो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ध्यान रखना क्वेश्चंस पे यहाँ पर कंफ्यूज किया जाता है कि आपको थीटा दे देते हैं, लेकिन वो थीटा आपका जो है वो सेंटर पर नहीं बनता, आपको फोकस क्या रखना है कि ये जो थीटा है ये कहाँ पर होना चाहिए, हमेशा सेंटर पर। आपको कई बार ये वाला थीटा भी दे देते हैं, ठीक है, तो ये वाला थीटा कैसे निकालेंगे, 360 में से माइनस करके, ठीक है, सीखेंगे आगे कैसे निकालेंगे। बट अब इधर की बात करते हैं, अगर सपोज करो मेरे पास एक कोड है, अब कोड ने भी तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अब सर्कल को तो हम कैसे भी कट कर सकते हैं, एक बार हमने सीखा, अभी सिलेबस में हमारे पास दो ही तरीके हैं कट करने के, कि एक बार तो दो रेडियस और एक आर्क इंक्लूडेड हो, और एक बार हमारे पास क्या है, सिर्फ एक क्या हो, कोड हो। अगर कोड की वजह से सर्कल का डिवीज़न हो रहा है, सर्कल दो या तीन पार्ट्स में कट हो रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है जी, ये क्या कहलाता है, सर्कल का सेगमेंट कहलाता है। वही चीज़ क्योंकि ये छोटा पार्ट है तो इसीलिए इसको क्या नाम देंगे हम, माइनर सेगमेंट, और वो हमारा ऊपर वाला बड़ा पार्ट है तो इसको हम क्या नाम देंगे, मेजर सेगमेंट, ठीक है, राइट। वही चीज़ कि जो ये माइनर और मेजर सेगमेंट है, ये भी हमारा सेंटर पर एक एंगल बनाएगा, दिस इज माय थीटा, और ये एंगल ध्यान रखना, ये एंगल हमेशा कहाँ पर होना चाहिए आपका, सेंटर पर होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे इनके एरिया की, एरिया और
लेंथ की। अगर मुझे सेक्टर का एरिया और लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या फार्मूला लगाऊंगी, दोनों में लिखूंगी थीटा बाय 360 डिग्री। एरिया का फार्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो जब सेक्टर का एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला, लेकिन सर्कल की लेंथ, लेंथ मतलब सर्कल की सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2πr। और थीटा आपको पता चल गया, थीटा क्या होगा, जो सेंटर पर एंगल होगा वो आपको क्वेश्चंस में पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करना और कैसे वैल्यू पुट करना। अच्छा, अगर इसकी बात करूँ मैं, अगर इसकी बात करूँ तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सपोज़ हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, देखो सेगमेंट कितना पार्ट है मेरा, इतना नीचे वाला पार्ट है सिर्फ, ओके। ठीक है, इस नीचे वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए सपोज़ इसको मैंने नाम दे दिया ओ ए बी, ठीक है जी। और यहाँ पर सपोज मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया P, अगर इस पूरे में से O A B P, इस पूरे में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ, इस ट्राइंगल का एरिया जो ये ऊपर ट्राइंगल बन रहा है, मीन्स O A B, मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि एरिया ऑफ सेक्टर O A P B में से मुझे क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। देखो अब ये सेक्टर बन रहा है ओ ए पी बी, देखो ओ ए पी बी मतलब दो आर्क्स, दो रेडियस यूज हो रही हैं और एक हमारी आर्क यूज हो रही है, तो ये सेक्टर बन रहा था। सेक्टर के एरिया में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो वो एरिया किसका आ जाएगा, हमारा माइनर सेगमेंट का। अच्छा, अब अगर मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना हो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या निकलेगा, अब देखो ध्यान से, सेगमेंट कौन सा है मेरा, इस लाइन से ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो सारा मेरा किसके अंदर आ रहा है, मेजर सेगमेंट में से। ठीक है, तो सर्कल में से अगर मैं ये वाला एरिया मतलब माइनर एरिया माइनस कर दूं तो ऊपर वाला सारा एरिया बच जाएगा, मतलब मेजर का एरिया बच जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें से मुझे किसका एरिया माइनस करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। ठीक है, समझ में आई बात, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए सेक्टर और सेगमेंट में, और ये जो चार फॉर्मूलेज हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है जी, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ माय एमसीक्यू क्वेश्चन, आपके पास जो आपके पास बोर्ड में 2015 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको किसका एरिया फाइंड आउट करना है, माइनर सेगमेंट का। तो सबसे पहले तो आप अपने जो है माइनर सेगमेंट बना लीजिए, ठीक है, आपने इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो माइनर सेगमेंट के लिए आपसे मैंने क्या बताया कि आपको यहाँ पर रेडियस दोनों ज्वाइन करनी पड़ेंगी, अभी जब भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया तो ओ ए बी और यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए एक पॉइंट पी, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अच्छा जी, जो रेडियस है ना सर्कल की ओ ए और ओ बी, ये दोनों कितनी हैं, 14 सेंटीमीटर हैं, दोनों इक्वल हैं, बिकॉज रेडियस तो हमेशा इक्वल ही होती हैं। विद इट सेंट्रल एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, जो ये सेंटर पर एंगल है ये हमारा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो इन क्वेश्चंस को भी करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले अपना गिवन लिखना है, ठीक है, गिवन आपको क्या है, अ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर, विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो अब तो इन्होंने हमें बता ही दिया ना कि सेंट्रल एंगल है, मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है। जब यहाँ पर वर्ड यूज़ नहीं होगा सेंट्रल एंगल, तब हमें सोचना पड़ेगा कि ये वाला एंगल हमारा सेंटर पर है या नहीं, बिकॉज हमें हमेशा क्वेश्चन में सेंटर पर बनने वाला एंगल यूज़ करना है।
ओके जी, सो नाउ नेक्स्ट बात करते हैं टू प्रूफ की। टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ या टू फाइंड आप कुछ भी लिख सकते हो। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया ना, अगर ये चैप्टर भी नहीं किया हुआ, तो भी आपको इतना लिखने का 1 मार्क आराम से एग्जाम में मिलने वाला है। सो नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका हम प्रूफ, ठीक है जी। सो देखो अगर तो आपके पास ये MCQ होगा तब तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1 नंबर का MCQ है तो उसमें आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली आपको करेक्ट आंसर लिखने के मार्क्स मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके पास 2 या 3 मार्क्स में आता है तब इतना लिखने का आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ओके, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, अभी हमने क्या डिस्कस किया, माइनर का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर के एरिया में से हमने किसका एरिया माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। इस पूरे एरिया में से हमने ये वाला एरिया माइनस कर देना, यही डिस्कस किया हमने अभी, ठीक है। ओके, माइनर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है, देन माइनस। अब ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला एक तो आपने ये पढ़ा हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बट अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, √3/4a² और a क्या है, हमारी ट्राइंगल की साइड होती है। तो देखो अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये इक्विलेटरल बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, तो साइड्स के सामने वाले एंगल भी कितने कैसे होते हैं, इक्वल, मतलब एंगल b किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल a के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से कि मतलब तीनों एंगल्स का सम कितना होगा हमारा 180, 60 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल होने वाला है हमारा 180 डिग्री के। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों हमारे इक्वल हैं, तो दोनों की जगह पर मैं एंगल ए लिख सकती हूँ, ठीक है जी। तो एंगल ए प्लस एंगल ए जो है वो कितना होगा हमारा 2 times ऑफ एंगल ए, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ अब ये 60 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 2 times ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री, बिकॉज ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं वो कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, √3/4a² ए क्या है, हमारी साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपने करके दिखाना है एग्जाम में, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखने वाले हैं। सो थीटा कितना है हमारे पास, सेंटर का एंगल, सेंटर का एंगल है 60/360। अब तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 14×14, 2 बार क्यों किया, क्योंकि पावर 2 है, पावर का मतलब होता है सेम वैल्यू को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना जितनी पावर है, अगर पावर 3 होती तो मैं 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करती। देन यहाँ पर क्या आने वाला है, √3/4a² ए क्या है, साइड, साइड कितनी है ट्राइंगल की 14, तो 14×14, फिर से मैंने इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी, आगे बात समझ में, ठीक है। सो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 6, देन दोबारा से कैंसिलेशन करिए तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2×3 = 6 और यहाँ पर क्या बनेगा, 11 बनेगा। देखो अब एक तरीका तो ये है कि आप पहले 11 को 14 से, फिर 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन 21 से डिवाइड और इधर भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, तब तो आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताऊं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अगर, तो 14 × 14 और 14 × 14 दोनों में कॉमन है,
तो इतनी बड़ी वैल्यू को बार बार मल्टीप्लाई करने की बजाय आप इसको कॉमन बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 11 बच गया ऊपर, और नीचे क्या बचा, 7 3 21 माइनस यहाँ पर क्या आ चुका है आपके पास, √3/4। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे सिर्फ छोटी सी आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी। देन उसके बाद तो वही करना है, दोनों का एलसीएम लीजिए, 14 × 14 को हम बाहर रखेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 21 × 4, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 11 × 4 = 44 माइनस 21√3। देखो इस चैप्टर से एमसीक्यू भी थोड़ा बड़ा आने वाला है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी ही होंगी इस चैप्टर से एमसीक्यू की भी, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 7 3 = 21, 7 2 = 14, देन 2 2 = 4 एंड 2 7 = 14। तो यहाँ से क्या बच गया, 7 × 44 माइनस 21√3 डिवाइड बाई, ठीक है, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ये आंसर हमें सेंटीमीटर में गिवन था। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको रूट थ्री की वैल्यू उन्होंने बोली हो एग्जाम में कि रूट थ्री कितना है, 1.73, तो 21 और इन दोनों वैल्यूज़ को 1.73 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन 44 में से उस आंसर को माइनस करिए, देन 7 से मल्टीप्लाई, देन 3 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज एमसीक्यू तो आपका चांसेस है कि इतने आंसर तक मैच कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। सो नाउ माय ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास आया है 2019 में, ठीक है। सो देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, इन द फिगर OAPB इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर बनाया है सर्कल का, सेक्टर क्या होता है, जब दो रेडियस और एक आर्क यूज हो रही है, ठीक है, और सेगमेंट क्या होता है, जब हम एक कोड को यूज कर लें, ठीक है, ओके। रेडियस दी है हमें 10.5 सेंटीमीटर, हमसे उन्होंने उसका पैरामीटर पूछा है, राइट। सबसे पहले तो हम अपना गिवन लिख लेते हैं, गिवन में उन्होंने हमें क्या दिया है, OAPB इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। और टू प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूफ या टू फाइंड हमने क्या करना है कि पैरामीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो अब अगर इसका हम प्रूफ स्टार्ट करें तो कितना आसान है, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया इंट्रो में, पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर इज गिवन बाय θ/360 (2π r), ठीक है। सो अब थीटा जो एंगल है सेंटर पर वो आपको कितना गिवन है, 60 डिग्री, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। थीटा की जगह पर मैंने लिखा 60 डिवाइड बाय 360 × 2 × क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पाई की वैल्यू उन्होंने कितनी बोली है लेने को आपको, 22/7, देन अगेन मल्टीप्लाई, और रेडियस कितनी दी है हमको, 10.5 सेंटीमीटर। कैंसिलेशन कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल होगी, देन 6 6 = 36 होगा, ठीक है, देन यहाँ से 2 3 = 6 होगा, और 10.5 को जब आप 7 से डिवाइड करने वाले हैं तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 1.5। देखो 10.5 को बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, 7 1 = 7, 10 - 7 = 3, देन डेसिमल आ गया तो हम यहाँ पर भी डेसिमल लगाएंगे, एंड देन 5 जब कैरी ऑन होगा तो 7 5 = 35, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1.5। देन इसको दोबारा से 3 से कैंसिल कर लीजिए, जैसे जैसे 3 5 = 15 होता है, वैसे तो 3 5 = 15 ही आएगा, बट क्योंकि एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा है तो हम भी एक डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5। तो क्या बच गया आपके पास, 22 × 0.5, तो 22 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, 11 सेंटीमीटर, ठीक है जी।
राइट। और आंसर फाइनल आपने क्या लिखना है, मैंने आपको हर वीडियो में यही चीज़ बताई है, फाइनल आंसर आपने 11 सेंटीमीटर नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ये पूरा सेंटेंस लिखना है। ठीक है जी, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड एमसीक्यू पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है आपके पास, ये रिसेंटली बोर्ड एग्जाम में आने लगे हैं, रेशियो टाइप के क्वेश्चन, 2022 में भी आया है और 2020 में भी आया है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, इफ द पैरामीटर ऑफ द सर्कल, मतलब हमें गिवन क्या है, पैरामीटर ऑफ द सर्कल, जो भी चीज इफ के साथ लिखी होती है वो आपको हमेशा एग्जाम में गिवन होती है, ठीक है। देन के साथ जो लिखा होता है वो आपको प्रूफ करना होता है, राइट, क्योंकि इंग्लिश मीनिंग ही सेंटेंसेस का यही बनता है। इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर के, तो यहाँ पर हम किसका पैरामीटर लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। सोचना नहीं है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि मैं क्या लिखूं, इसके आगे क्या करूंगा, कैसे सॉल्व होगा, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, स्टार्ट करोगे तभी निकलेगा, जितना समझ में आया उतना लिख डालो, बस क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। देन पैरामीटर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2πr होता है, सबको पता है। स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 into a होता है, a क्या है यहाँ पर, स्क्वायर की साइड, मतलब स्क्वायर की चारों साइड्स का जो सम होता है दैट इज़ माय पैरामीटर। कोई भी फिगर हो उसकी सारी साइड्स का सम क्या होता है, पैरामीटर होता है। हमें क्या बताना है, इनके एरिया की रेशियो फाइंड आउट करनी है हमने। अच्छा, तो एरिया की रेशियो कैसे फाइंड आउट करें, अब बच्चे यहाँ पर सोचने बैठ जाते हैं कि भाई दिया तो पैरामीटर हुआ, एरिया तक कैसे पहुँचे, पहुँचेंगे एरिया तक भी, पहले आप इतना पार्ट तो सॉल्व करिए। सो यहाँ से रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2a/π। अब पूछा गया उसने एरिया की रेशियो, ठीक है, तो एरिया की रेशियो निकालो, कैसे निकलेगी, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके जी, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर दिए, पाई को एज इट इज़ रखिए, आर की पावर 2 है, तो मतलब इस वैल्यू को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखूँगी, 2 बार, तो मतलब 2a/π मल्टीप्लाई बाय 2a/π। यहाँ तो मैंने आर स्क्वायर लिखा, उसके बाद पूरे के साथ क्या है, डिवाइड है, देन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। ए की 2 पावर्स हैं, तो दोनों पावर्स आपस में यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बच गया, 2 2's 4, 4/π, तो 4/π जो है वो आपका आंसर आ गया। अगर 1 मार्क क्वेश्चन आता है तब तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपना आंसर में लिख सकते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर, जो भी आपका ऑप्शन नंबर होगा, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आपका 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज़ को क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 4/π विदाउट एनी यूनिट, क्योंकि यूनिट क्यों नहीं लिखनी यहाँ पर, जब हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो हमने यूनिट क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि हर बार मैंने आपको बताया कि यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है। बट रेशियो में क्या होता है, जो यूनिट है ये भी एरिया है ये भी एरिया, तो दोनों की यूनिट सेम होगी, यूनिट आपस में कैंसल आउट हो जाती है, इसलिए रेशियो के क्वेश्चंस में आपने यूनिट नहीं लिखनी, विदाउट यूनिट आपने आंसर लिखना है, ठीक है जी। आगे बात समझ, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिलेटेड टू द सर्कल का एमसीक्यू आ सकता है, देखो एक क्वेश्चन तो आपके पास माइनर मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने का आ सकता है या उनकी लेंथ फाइंड आउट करने का आ सकता है, ठीक है। देन आपको मैंने बताया एक पैरामीटर और स्क्वायर में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया हुआ होगा, उस पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आएगा। देन आपके पास ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, द डायामीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का डायामीटर, डायामीटर बोला है उसने, एक सर्कल का मतलब D1, हुज एरिया इज इक्वल टू, जिसका एरिया, इसका जो एरिया है ना सर्कल का A1, ये किसके इक्वल है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स
दो दूसरे सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल है, ये बोला है उन्होंने, और इनकी आपको रेडियस भी गिवन है, ठीक है। तो हमें इस पहले वाले सर्कल की डायामीटर फाइंड आउट करनी है, राइट। तो लगा दो फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फर्स्ट सर्कल है इसलिए मैंने आर वन लिखा, सेकेंड सर्कल के लिए मैं क्या लिखूंगी आर टू, देन थर्ड सर्कल के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखने वाली हूँ आर थ्री, सो दैट कि हमें पता चले ये तीन सर्कल्स की अलग अलग रेडियस है, राइट। ओके, सो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो मैंने आपको बताया इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए सबसे बड़ा फोकस रखिएगा कॉमन निकालने पर। दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पाई कॉमन है, ठीक है, तो पाई को बाहर निकाल लीजिए, सो दैट कि आपको उसी वैल्यू को दो तीन बार कैलकुलेशन में इंक्लूड ना करना पड़े। सो नाउ पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या हो गया आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज आपने हर क्वेश्चन में लगा कर चलना है, कहीं भी नहीं छोड़ना, आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है एक रेडियस 24 और दूसरी रेडियस कितनी है मेरी 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। सो यहाँ से आर वन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, आर वन स्क्वायर आ गया। जब स्क्वायर हटाना होता है तो हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट करते हैं, सो दैट मीन्स आर वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625। और स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छे से आता है, फैक्टर्स बना करके हम इसका जो है स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी और बहुत बेसिक हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, अगर नहीं आती हैं तो आपके पास चैनल पर 15 बेसिक कैलकुलेशन टिप्स की 3 वीडियोस बनी हुई हैं, वहाँ से जाकर के समझ लेना, उतनी ही कैलकुलेशंस आपके बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है, उतनी आपके लिए मोर देन इनफ है। तो रेडियस की जो वैल्यू है हमारे पास आर वन की कितनी आ गई 5 × 5, मतलब कितना आंसर आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में गिवन थी, ठीक है। अगर एमसीक्यू आएगा तो ऑप्शन नंबर लिख देना, अगर आपके पास दो नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर लिख देना था डायामीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, सॉरी अभी आंसर नहीं आया, उन्होंने डायामीटर पूछा है, हमने रेडियस फाइंड आउट किया है, डायामीटर क्या होता है 2 times of r, दैट मीन्स ये गलती नहीं करनी है आपको MCQ में कन्फ्यूज करने के लिए, वो 25 भी आंसर में देंगे और 50 भी आपको ऑप्शन में देंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, स्टेटमेंट को ध्यान से रखना है, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा इस क्वेश्चन में हमने क्या मिस किया, अगर 2 मार्क क्वेश्चन आता है तो हमने यहाँ पर गिवन और टू प्रूफ जो है वो नहीं लिखा है, वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। गिवन में आप क्या लिखेंगे दैट टू सर्कल्स विद द रेडियस 24 and 7 सेंटीमीटर, और टू प्रूफ क्या करना है डायामीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हम अपने मेन क्वेश्चंस करते हैं जो आपके सेक्शन बी या सेक्शन सी में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइव आपका हॉर्स वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस ये क्वेश्चन आपके पास 2014 में भी आया था, ठीक है। तो ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करके जाइएगा। सो इसमें उन्होंने क्या बोला है, अ हॉर्स टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर, एक स्क्वेयर है, ठीक है, और एक स्क्वेयर के कॉर्नर पर हमने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है एक हॉर्स को टाई किया है, ठीक है, हॉर्स को टाई किया है मतलब एक रस्सी से एक रोप की हेल्प से उन्होंने हॉर्स को टाई किया है। ग्रास फील्ड, एक ग्रास फील्ड है ये जो पूरा है हमारा स्क्वायर शेप, ये किस किया है ग्रास फील्ड है, मतलब इसके अंदर सारी ग्रास है। ऑफ साइड 15 मीटर, अब इसकी जो साइड दी है हमें वो दी है 15 मीटर, ओके जी, बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर लॉन्ग रोप, जो रोप है उसकी जो लेंथ है वो हमारी कितनी है 5 मीटर, और यहाँ पर कौन है एक हॉर्स बंधा हुआ है, ठीक है। नाउ
फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड. हमें इस पूरे स्क्वायर का एरिया नहीं निकालना, हमें स्क्वायर के एक पार्ट का एरिया निकालना है इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, जिसके अंदर हॉर्स जो है वो ग्रेस कर सकता है, मतलब खा सकता है, घास खा सकता है. तो देखो, क्योंकि ये इस रस्सी से बंधा है हॉर्स, तो किधर जा सकता है? इधर और इधर, यही दो जगह पर शिफ्ट हो सकता है. या तो यहाँ जाएगा या फिर ये यहाँ जाएगा, इतनी ही जगह पे जा सकता है ना, क्योंकि बंधा जो हुआ है एक चीज़ से ही हुई है, तो वो हमारे पास कहाँ जा सकती है? तो थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे, सर्कल की शेप में ही घूम सकता है, और तो किसी शेप में नहीं घूम सकता. सो हमको इतने पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, जो ये हमारा पार्ट है ना, जिस पार्ट में ये जो हमारा हॉर्स है वो ग्रेस कर रहा है. सो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखने वाले हैं? अपना सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है? सॉल्यूशन नंबर 5, राइट? सो आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस में आप गिवन टू प्रूव लिखो या ना लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता. जब आपके टू प्रूव या टू फाइंड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पर आपको गिवन टू प्रूव लिखना जरूरी होता है. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या है, अगर आपने लिखना है गिवन, तो आप क्या लिख सकते हैं? अ स्क्वेयर फील्ड विद 15 सेंटीमीटर साइड, विद द साइड 15 सेंटीमीटर एंड अ रोप ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर. एक रोप है जिसकी लेंथ कितनी है हमारी? 5 सेंटीमीटर है. देन नेक्स्ट आपको टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आपको करना है एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स, ठीक है? यही चीज़ आपने टू प्रूफ या टू फाइंड करनी है, एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स, राइट? अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो ये हॉर्स है, ठीक है, अगर मैं इस सर्कल को पूरा करने की कोशिश करूं, यहाँ से अगर मैं इस सर्कल को ऐसे करके पूरा करने की कोशिश करूं, तो ये आपको क्या दिख रहा है? सर्कल का 1/4 पार्ट दिख रहा है ये, ठीक है? सर्कल का 1/4 पार्ट एरिया ग्रेस करा है इसने, राइट? तो यानी कि जो हमारे पास एरिया होगा, एरिया ग्रेस्ड बाय द हॉर्स, वो क्या होगा? एरिया ग्रेस्ड बाय द हॉर्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है? 1/4 पार्ट किसको बोलते हैं? क्वाड्रेंट को बोलते हैं, राइट? 1/4 जो सर्कल का 1/4 पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट. जो सर्कल का हाफ पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है? तो यानी कि अब क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. बट ये 1/4 पार्ट है, 1/4 का मतलब क्या करना है मुझे? उसको 4 से डिवाइड करना है. जितना भी पार्ट हो, मतलब अगर मान लो 1/16 पार्ट, अगर उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, मान लो 16th पार्ट, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे? जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको आप किससे डिवाइड करोगे? 16 से डिवाइड करोगे. सो सिंपली है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा पाई इंटू आर. अब रेडियस देखो कितनी बन रही है, इस आर रेडियस के अराउंड ही घूम पा रहा है ना वो, तो जितना डिस्टेंस इधर जाएगा उतना ही इधर. सो दैट मींस आर क्या हो गई मेरी? 5 मीटर डिवाइड बाय 4. और 5 × 5 दो बार क्यों लिखा? क्योंकि आर की पावर कितनी है मेरी? 2 है. सो देखो, अब यहाँ पर हमने पाई की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर दी? सपोज 22/7 × 5 × 5 डिवाइड बाय 4. तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ गया? इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 11 × 5 = 55 डिवाइड बाय 14. सो जब इस पूरे पार्ट को आप सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर आने वाला है 19.625 मीटर, ठीक है? तो ये उन्होंने हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था. अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है? पार्ट में उन्होंने हमें क्या बोला है? हमें फाइंड करना है इंक्रीज इन एरिया, एरिया का इंक्रीज हो रहा है. इफ़ द लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज टू 10 मीटर, मतलब अगर हमने जो लेंथ थी वो लेंथ पहले 5 मीटर थी, तो वो 5 मीटर के एरिया में राउंड अप कर पा रहा था. अब जब लेंथ हमने इंक्रीज कर दी 10 मीटर की, जैसे यहाँ पे पहले 5 थी, तो ये इतना एरिया ग्रेस कर पा रहा था, बट अब अगर मैं इस लेंथ को 10 मीटर इंक्रीज कर दूँ, तो आप देख रहे हो कि एरिया मेरा ज़्यादा ग्रेस कर पाएगा ये, ठीक है? तो हमें जो ये इंक्रीज इन एरिया है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो कैसे कर सकते हैं? इस बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है? तो इंक्रीज आ जाएगा. सो दैट मींस यहाँ पर अब अगर मैं 10 सेंटीमीटर वाला एरिया फाइंड आउट करूँ, तो मेरे पास कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बाय
4। वही पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 10/10 डिवाइड बाय 4। सो नाउ 2 2s 4 एंड 2 5s 10 देन यहाँ पर आएगा 11। सो 11 5s 55 देन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। बट ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर उन्होंने हमसे पूछा है इंक्रीज इन एरिया। तो इंक्रीज इन एरिया किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 78.5 में से हम क्या माइनस कर देंगे, जो ये छोटे वाला एरिया आया था, दैट मीन्स 19.625। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सही निकाल लेते हैं, लेकिन जब डेसिमल की माइनस करने जाते हैं तो गलतियाँ करते हैं। तो आपको डेसिमल की माइनस भी एक बार सिखा दूँ कि इस तरह से डिजिट्स को रख के आपने माइनस करनी है। जो डेसिमल से पहले थी वो डेसिमल से पहले ही रहेंगी, जो डेसिमल के बाद थी पूरा सीक्वेंस में आपने लिखना है, डिजिट्स को चेंज नहीं करने डिजिट्स की पोजीशन। मतलब हर बच्चा इसको अलग अलग तरह से करता है, जैसे 78.5 है ना, तो कुछ तो यहाँ रख के कर देते हैं 19.625, ऐसे करके माइनस करनी शुरू कर देते हैं। या फिर कुछ बच्चे जो हैं इसको 19 इसको जो है यहाँ पर रख करके कर देते हैं 196.25। तो कहने का मतलब है कि हर बच्चा अलग अलग तरह से करता है, बट आपने जैसा है वैसे के वैसा ही लिखना है इसको, बिना डिजिट्स चेंज किए। देन अगर इसके ऊपर जीरोस कम है तो आपने 2 जीरोस अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एड ऑन कर देनी है, और अब इसको माइनस करना है। तो 10 - 5 कितना हो गया 5, यहाँ से आया 9, 9 - 2 - 7, देन यहाँ से इसने लिया था कैरी ऑन तो 4, तो 14 - 6 हो गया 8, देन यहाँ से 8 से 7, 17 - 9 विल बी 8, देन ये कैरी ऑन लेकर के 6 6 - 1 हमारा कितना बचेगा 5। तो आंसर कितना आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपके पास 2018 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है, ठीक है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। वेयर आर्क्स ड्रॉन विद द सेंटर ए बी सी एंड डी। ए को सेंटर लेकर के एक आर्क ड्रॉ की है, ठीक है, ऐसे मतलब पूरा सर्कल जो बनना था उसकी बजाय उन्होंने सिर्फ एक आर्क ड्रॉ की है। ऐसे ही बी को सेंटर लेकर के एक आर्क ड्रॉ की है, देन सी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ की है, देन डी को सेंटर मान के कंपास की हेल्प से एक एक आर्क ड्रॉ की है। विच इंटरसेक्ट इन द पेयर्स एट मिड पॉइंट्स पी क्यू आर एस। जो पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं किसके, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए साइड के। ए बी साइड का मिड पॉइंट है पी, बी सी साइड का मिड पॉइंट कितना है क्यू, उसके बाद सी डी साइड का मिड पॉइंट कितना है आर, देन डी ए का मिड पॉइंट कितना होगा हमारा एस होगा। हमें इस अंदर वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास अभी जो चीज़ मैंने आपको बताई कि एक सर्कल होता है, ठीक है, एक सर्कल का जो 1/4 पार्ट है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये एक आर्क बन रही है, सर्कल की बन रही है, नहीं बन रही, एक आर्क, ठीक है। तो अगर मैं चारों आर्क्स को मिला दूं, ज्वाइन कर दूं, तो पूरा सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, ये चार आर्क्स इन्होंने जो ड्रॉ करी हैं, ये चारों आर्क्स जब मिल जाएंगी तो इनका एरिया किसके इक्वल होगा, सर्कल के एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, जो एरिया है, एरिया ऑफ फोर आर्क्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल के एरिया के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बट हमें आर्क्स का एरिया फाइंड आउट करना ही नहीं है, हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, इस अंदर वाले पार्ट का, ठीक है। जो ये एरिया आया है चारों आर्क्स का, वो सर्कल के एरिया के इक्वल है, मतलब वो हमारा ये वाला एरिया निकल कर आया है, ठीक है, क्योंकि आर्क्स का एरिया निकाला है हमने, आर्क्स के एरिया को टोटल किया। एरिया कब बनता है, अंदर की तरफ बनता है ना एरिया, फिगर के अंदर की तरफ, फिगर के बाहर की तरफ तो नहीं बनता है। जैसे ये आर्क है तो आर्क के अंदर की तरफ एरिया बनेगा, बाहर की तरफ नहीं बनेगा। मतलब इस ग्रीन वाले शेडेड पार्ट का एरिया नहीं है, ये किसका है, रेड वाले शेडेड पार्ट का एरिया है, ठीक है। तो अगर मुझे ग्रीन वाले पार्ट का एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर मुझे निकालना है, तो अब सोच कर देखो कैसे निकल सकता है कि टोटल स्क्वायर के एरिया में से
अगर मैं ये रेड वाले पार्ट का एरिया माइनस कर दूं तो ग्रीन वाले पार्ट का एरिया बच जाएगा, बचेगा। तो यही काम हमने यहाँ पर करना है, एरिया ऑफ स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एरिया क्यों? क्योंकि ये चारों जो रेड वाले पार्ट हैं ये मिल करके एरिया किसके इक्वल बनने वाला है? सर्कल के एरिया के इक्वल। सो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड का स्क्वायर माइनस सर्कल के एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसकी साइड तो आपको साफ साफ दी हुई है उन्होंने 12 सेंटीमीटर, माइनस पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 22/7। देन आर की पावर कितनी करनी है हमने? 2 करनी है, मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो ध्यान से कि एक आर्क को ड्रॉ करने में, ये पूरी 12 सेंटीमीटर है, ये इन्होंने बोला है मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये कितना होगा हमारा? 6 मीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब आधा। तो इसको यूज़ करके, सी को सेंटर यूज़ करके जब इन्होंने सर्कल बनाया तो ये क्या बन रही है? सर्कल की रेडियस बन रही है, ठीक है। तो यानी कि रेडियस कितनी आ गई हमारे पास? 6 × 6 सेंटीमीटर। सो कर दो सॉल्व, 12 को स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस, इस सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो इस सब इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे देन 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 113.04। फिर से वही चीज़ है, देखो सीधा लिखो 114 113.04, कुछ भी चेंज नहीं करना, सीधा पोजीशन उसके नीचे लिखो, देन यहाँ पर दो डेसिमल ऊपर लगाओ। तो 10 − 4 = 6, ये बनेगा 9, 9 − 0 विल बी 9, देन ये बनेगा 3 3 − 3 विल बी 0, देन 4 − 1 विल बी 3। तो ये कितना आ गया हमारा? 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में क्यों लिखा? क्योंकि हमें साइड जो है वो किस में दी हुई थी? सेंटीमीटर में। सो आप भी अपना फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर क्वेश्चन में आपने अपना आंसर वही लिखना है जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। नाउ देखो अगेन, आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ये 3 साल, ये 3 ईयर्स में रिपीट हुआ है, 2014 में भी, 2019 में भी और 2022 में भी आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है जी। सो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में? सबसे पहले देखो फिगर को ध्यान से, उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का मतलब इस रेड वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। इन द फिगर इफ पी क्यू इज इक्वल टू, जो ये पी क्यू है ये हमें कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर, एंड पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है वो सर्कल का क्या है? सेंटर है। अब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है? रेड वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए कैसे निकल सकता है? यहाँ से यहाँ तक ये डायामीटर है, तो दैट मीन्स ये वाला सर्कल का हाफ पार्ट होगा और हाफ पार्ट ये होगा सर्कल का ऊपर वाला, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर सर्कल के, अगर सेमी सर्कल के एरिया, सेमी सर्कल बन रहा है ये पूरा पूरा, कौन से की बात कर रही हूँ मैं? क्यू आर पी क्यू, ये वाला पूरा, ये पूरा हमारा सेमी सर्कल बन रहा है, क्योंकि डायामीटर के एक तरफ क्या होता है? सेमी सर्कल डायामीटर सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो एरिया है ये सेमी सर्कल का है। सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो निकालते हैं, दो एरिया चाहिए हमें, एक एरिया तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें दो एरियाज चाहिए, और दोनों एरियाज को हमने क्या करना है? माइनस करना है। कौन कौन सा चाहिए? एक तो हमें चाहिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। राइट ट्राइंगल कौन सा है? ये हमारा पी क्यू आर का, ठीक है। अच्छा, अब सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सेमी का मतलब अभी आपको मैंने बताया क्या होता है, डिवाइड बाय 2, माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। सो नाउ पाई आर, रेडियस पता है आपको सर्कल की? नहीं पता, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 एज इट इज लिख दो, माइनस 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है आपके पास? 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी हुई है आपको? 24 सेंटीमीटर। अब क्या करें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? रेडियस कहाँ से निकाल कर लाएं?
ध्यान से देखो, आपको बताया मैंने कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, अगर आप ये पूरा निकाल लो दैट मींस हाइपोटेन्यूज, वो हाइपोटेन्यूज आपका क्या बनेगा, सर्कल का डायामीटर, डायामीटर का हाफ कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो निकाल दो, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आपको, 24 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है आपके पास, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 49। दिस इज इक्वल टू 625। स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर का मतलब होता है उसी वैल्यू को उसी से दो बार मल्टीप्लाई करना, मतलब आपके पास आपको क्या करना है, 24 × 24, दो बार 24 को आपस में मल्टीप्लाई करना। सो नाउ एच स्क्वायर की वैल्यू 625 आ गई। अभी पीछे आपको सिखाया कि जब हमें स्क्वायर हटाना होता है तो हम उसका क्या करते हैं, स्क्वायर का, अभी पीछे क्वेश्चंस में ही हमने 625 का स्क्वायर रूट सीखा कैसे निकालना है। तो आपके पास ये क्या आया है, हाइपोटेन्यूज डायामीटर बना है, ये ध्यान रखना ये डायामीटर है। सो रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस क्या होती है, डायामीटर बाय 2, दैट मीन्स रेडियस कितनी आ गई मेरे पास, 25/2 आ गई। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास, 25/2, दो बार 25/2 को मल्टीप्लाई करना है, देन पूरे के साथ डिवाइड करना है किसको, 2 को, इसको मत छोड़ देना बच्चे, इस वैल्यू को छोड़ देते हैं, देन माइनस 12/7 = 84। सो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 से 11 कैंसिल आउट होगा, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 × 25 × 25 कितना होता है, 625 डिवाइड बाय 7 माइनस 84, ठीक है जी। तो ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। वही बात है अगेन, सर्कल्स और एरिया रिलेटेड टू द सर्कल से आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस कम बनते हैं, एजर्शन बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपके ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं मेन क्वेश्चंस की बात करूं तो एक आपकी बुक में एक क्वेश्चन है अम्ब्रेला वाला, ठीक है, अम्ब्रेला वाला। एक आपके पास रोप वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने हॉर्स वाला क्वेश्चन किया, राइट। और एक आपके पास टेबल वाला क्वेश्चन है कि एक टेबल को उन्होंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि जैसे आपका लास्ट ईयर हॉर्स वाला क्वेश्चन आया, चांसेस हैं कि आपके पास इस बार इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, इन तीनों में से ही आपके पास कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आ सकता है, ठीक है। तो सारी टाइप्स जितनी भी एनसीईआरटी में आपकी गिवन है, सारी टाइप्स हमने कवर अप कर ली, पीवाईक्यूज कवर अप कर लिए। आगे बढ़ते हैं अपने केस बेस्ड क्वेश्चन पर। फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन देखो, इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ना इन्होंने पहले ऊपर एक आपको स्टोरी लिख करके बताई हुई है, एक पोकेमोन एक जो है वो गेम है, उसके अंदर एक डिज़ाइन बना हुआ होता है, वो किस टाइप का डिज़ाइन होता है और वो गेम किस काम आती है, तो वो सारा कुछ जो है वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प नहीं करने वाला, तो इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट भी यहाँ पर नहीं लिखी है, सीधा क्वेश्चन पर जंप किया है मैंने। इसमें इन्होंने क्या बोला है, एक सर्कुलर टेबल है, जो गेम है उसके अंदर एक सर्कुलर टेबल बनती है जिसकी रेडियस कितनी है, 32 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर, इस सर्कल की रेडियस। अ डिज़ाइन इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक डिज़ाइन बनाया है जिसके अंदर हमारे पास बचा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये बाहर से ऐसे ऐसे करके कुछ एक डिज़ाइन बनाया है और जो पार्ट बच गया है जिसमें डिजाइन नहीं बना है वो क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ट्राइंगल का नाम क्या दिया है उन्होंने, ए बी एंड सी, इन द मिडल, बीच में बना है। फाइंड द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपसे क्या पूछा है, आपने इसकी क्या बतानी है, साइड बतानी है, राइट। सो सॉल्यूशन नंबर लिखोगे सबसे पहले एग्जाम में, सॉल्यूशन नंबर 8, राइट। अब मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चंस में आप गिवन टू प्रूव लिखो या ना लिखो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए लेट अस सपोज हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक मीडियन ड्रॉ कर लिया, ए डी। सो यहाँ पर लिखेंगे लेट ए डी बी द
मीडियन ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल का हमने ये क्या कर लिया, एक मीडियन ड्रॉ कर लिया। अब मीडियन क्या करता है, मीडियन दो काम करता है, एक तो ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दूसरा ये लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब जो बी डी होगा वो पूरी लाइन बी सी का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, बी सी बाय टू, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जितना बी डी उतना ही डी सी, मतलब पूरी लाइन का हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है, उसको किससे डिवाइड करना है, टू से। अब क्योंकि इस ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल हैं तो बी सी साइड की जगह पे मैं ए बी लिख सकती हूँ, ए बी बाय टू लिख सकती हूँ। ठीक है जी, आगे बात समझ में। ओके, नाउ सपोज करो हमारे पास सर्कल का सेंटर है ये ओ। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और पता होगी कि ये ए ओ क्या बन गई, दैट मीन्स हमारी रेडियस बन गई। सो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए ओ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ए ओ इज द रेडियस ऑफ सर्कल, देयरफोर रेडियस और मीडियन के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन होता है, रेडियस इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ आवर मीडियन। ठीक है, ये रिलेशन होता है किसके बीच में, रेडियस और मीडियन के बीच में, कि रेडियस जो होती है दैट इज 2/3 टाइम्स ऑफ माई मीडियन ए डी। सो वैल्यूज पुट करो, आपके पास ए डी आ जाएगा। ए ओ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए ओ रेडियस कितनी दी है हमें, 32 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ ए डी। नाउ अब आपसे क्या सिखाया हुआ है मैंने, कि क्योंकि ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर जा कर के क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी। नाउ अब इन दोनों के बीच में, 2 और ए डी के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स ये वाली वैल्यू जो है नीचे जा कर के क्या हो जाएगी, हमारी डिवाइड हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ से आंसर आ गया 16। सो 16 थ्रीज का कितना होता है हमारे पास, 48 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, ए डी। ए डी की जो लेंथ है वो मेरी कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है कि जो ये हमारा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो लगा दो वही चीज़, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कौन सी है, 90 के सामने वाली जो साइड है, दैट विल बी माई हाइपोटेन्यूज। तो 90 के सामने वाली साइड क्या है, नाम क्या है इसका, ए बी, ए बी की पावर 2। परपेंडिकुलर और बेस आप किसी को भी लेट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एंगल की बात नहीं कर रहे, जब हम ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पर हम एक एंगल लेते हैं, तो तब हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है, तब हमें ध्यान रखना पड़ता है। बट जब हमारे पास कोई और एक्यूट एंगल गिवन नहीं है तो हम परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी लेट कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज मैंने परपेंडिकुलर लेट कर लिया इसको, ए डी को, दैट विल बी माई 42, और बेस, बेस कितना है मेरा, बी डी, तो दैट इज बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे सिंप्लीफाई करें इस चीज़ को, ए बी की पावर 2 है तो ये ए बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का नंबर नहीं है, हमें स्क्वायर सॉल्व करना नहीं आता, अल्फ़ाबेट्स का, इस तरह की वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर सॉल्व करना नहीं सीखा हुआ, तो इसलिए इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे बिना कुछ भी चेंज किए। ठीक है जी, 48 का स्क्वायर कितना होगा, 2304 प्लस बी डी। देखो अब बी डी हमने क्या निकाला था, ऊपर ए बी बाय 2 निकाला था। ठीक है, तो ए बी बाय 2 की पावर 2 कर दी हमने यहाँ पर। अब देखो, अब ये दोनों सेम हो गई, ये भी ए बी स्क्वायर है, ये भी ए बी स्क्वायर है, तो दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो सकती हैं, लेकिन कब सिंप्लीफाई होंगी, जब ये दोनों इक्वल टू के एक ही तरफ होंगी। दैट मीन्स ये वैल्यू अगर प्लस की है तो इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस की बनाएंगे, सो हमारे पास आंसर आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाय 4, दिस इज इक्वल टू 2304। अब 4 कहाँ से आया आप सोचेंगे, 4 इस स्क्वायर की वजह से आया, इस ए बी का भी स्क्वायर किया और 2 का भी स्क्वायर किया, बिकॉज ब्रैकेट है, पूरे का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है जी, तो ए बी स्क्वायर बाय 4 आ गया। नाउ अब क्या करना है,
आपसे लॉजिक बताया हुआ है कि एक रैशनल नंबर दिख रहा है आपको, रैशनल नंबर दूसरे नंबर के साथ प्लस माइनस कैसे होता है, एलसीएम लेकर के। ले लीजिए इसका एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 4ab² माइनस ab² दिस इज इक्वल टू 2304। नाउ सिंप्लीफाई करिए, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3ab² इज इक्वल टू, इस 4 को उधर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड देन जो ये इधर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 क्या होने वाला है, हमारा डिवाइड होने वाला है। एंड देन स्क्वायर हटाना हो तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें स्क्वायर हटाना हो तो हम उस वैल्यू का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है। सो ए बी विल बी इक्वल टू रूट 2304 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3। बस यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे जब इसको 3 से, तो आंसर आएगा 768 इंटू 4, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसके फैक्टर्स बना रहे हो 768 के, क्योंकि 4 का तो आपको पता ही है स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, इसको तो एज इट इज़ बाहर लिख लो, इसको मल्टीप्लाई मत करना, बिकॉज मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका निकाल लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास इसका कितना आने वाला है, 9 18, 2 6 12, 2 4 8 एंड देन 2 8 46, 2 2 4, 2 4 8 देन 12 देन 6 देन 3 एंड देन इट विल बी 1। अब पेयरिंग बनाइए, कितने पेयर्स बन रहे हैं 2 के, 1 2 3 4, 4 पेयर्स बन रहे हैं तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो 2 को, मतलब 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 is the 4, 4 2 is the 8, 8 2 is the 16, तो 16 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, और जो ये 3 जिसका पेयर नहीं बना वो हमारा रूट के अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 16 2 is the कितना आ गया, 32√3 cm, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट डन। आगे देखते हैं इन्होंने सेकंड पार्ट में क्या पूछा है। ट्रायंगल हमें क्या बताना है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, वही मीडियन को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो दैट मीन्स हमने एडी की लेंथ निकालनी है, एडी तो हम निकाल ही चुके हैं पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, दैट इज इक्वल टू माई 48 cm, राइट। देन थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है हमसे एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है। तो साइड कितनी निकली है हमारी, 32√3 निकली है, ठीक है, 32√3 पूरे की पावर। अब ध्यान रखना इन चीज़ों को, जब एक से ज़्यादा नंबर हो ना, 32 भी है √3 भी है, तो आपको स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट लगा के लिखना है, क्योंकि ये स्क्वायर आपको दोनों का करना है, ठीक है। ये पूरी साइड है ना आपकी 32√3, खाली 32 तो नहीं है, बच्चे खाली 32 का स्क्वायर कर देते हैं, √3 का स्क्वायर छोड़ देते हैं, तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो करिए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसी वैल्यू को आपने दो बार मल्टीप्लाई करना है, कर दिया, देन √3 का स्क्वायर कैसे होगा, √3 को ही आपने दो बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो करिए कैंसिल आउट, जो होता है 4 2 8 एंड √3 और √3 क्या बन जाएगा हमारा 3, तो कर दीजिए √3 × 8 × 32 × 3, तो यहाँ से क्या आएगा, 8 3 = 24 × 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 24 और 32 को, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर आपको पता है कैसे लिखना है, फाइनल आंसर, दैट आंसर इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। आगे बात समझ में, तो आगे बढ़ते हैं इसके अजर्शन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं, ये 1 mark के ही आते हैं, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है ये कई बार आपके पास 1 mark MCQ में भी आ जाता है, कई बार अजर्शन की फॉर्म में कन्वर्ट होके भी आ जाता है, ठीक है। तो बहुत आता है ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में, तो इसका क्वेश्चन को देखो क्या है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज दिस, सर्कल की सर्कमफ्रेंस ये दी है, देन इट्स रेडियस इज 28 cm। मैंने आपको क्या बताया था अभी पीछे कि जो इफ के साथ स्टेटमेंट लिखी होती है वो तो आपको गिवन होता है, राइट। तो सॉल्यूशन नंबर हमारे पास कौन सा है, ये 9, तो ये चीज़ तो मुझे गिवन है,
सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये चीज़ मुझे क्या करनी है, टू प्रूफ करनी है. अगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस इतनी है तो रेडियस ये होगी. अगर रेडियस 28 आ जाती है सो दैट मीन्स मेरी अजर्शन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. अगर नहीं आती है तो दैट मीन्स मेरी अजर्शन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक. और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ट्रू. मतलब हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यही होता है, 2πr. तो दैट्स वाई हमारा रीज़न जो है वो ट्रू हो गया. एजर्शन चेक कर लेते हैं. कैसे चेक करेंगे, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या लिखना है, 2πr, दिस इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर. सो यहाँ से अगर मुझे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये 2π मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जा कर के क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा. एंड देन 176/2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7. नाउ ये 7 हमारा डिनोमिनेटर में है, ऊपर जा कर के किस में हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर में. 176/7 इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22. ठीक है जी, ये सीधा सीधा आपका 8 पर कैंसिल आउट होगा. एंड देन 2 4 8, सो हमारे पास क्या बच गया, 4 × 7. और 4 × 7 कितना होता है हमारा, 28 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स रेडियस कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर. तो अजर्शन भी क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई. और हमारा सर्कमफ्रेंस मतलब रीज़न भी क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया. प्लस अब देखो दो ऑप्शंस आते हैं, ए और बी. दो ऑप्शंस बड़े ध्यान से समझने वाले हैं कि हमारे एजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू तो हैं. ए और बी ऑप्शन दोनों में यही लिखा होता है कि एजर्शन और रीज़न दोनों हमारे ट्रू हैं. बट ए ऑप्शन में लिखा होता है कि रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, और बी में लिखा होता है रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि अगर आपने एजर्शन को ट्रू करने के लिए रीज़न को यूज़ किया है तब तो रीज़न क्या है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को. दैट मींस ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट, जो हमारा इस क्वेश्चन में है. बट अगर कई बार क्या होता है कि एजर्शन को प्रूफ करने के लिए, ट्रू प्रूफ करने के लिए हमने रीज़न को यूज़ नहीं किया, तब हमारी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती. सपोज करो जैसे कि इसी क्वेश्चन में ऊपर इन्होंने सर्कमफ्रेंस की बात की है, यहाँ पर अगर वो मुझे फॉर्मूला दे देते एरिया का, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो एरिया का फॉर्मूला तो यही होता है, एजर्शन है तो ट्रू, बट उसके रीज़न है तो ट्रू, बट एजर्शन को ट्रू प्रूफ करने के लिए हमने एरिया का फॉर्मूला तो यूज़ नहीं किया ना, हमने किसका यूज़ किया है, सर्कमफ्रेंस का. तब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता कि है तो दोनों ट्रू बट रीज़न इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एजर्शन. ठीक है जी, एक क्वेश्चन और समझते हैं एजर्शन का, क्योंकि एजर्शन के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 10, अब इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर. एक मिनट हैंड की क्लॉक बना लो. सोच कर देखो कि मिनट हैंड जो होती है, सारी जो हमारी सुइयाँ होती हैं वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, सेंटर से होती है. उनकी लेंथ सेंटर से ऊपर तक होती है. ठीक है, तो जो मिनट हैंड है ना उसकी लेंथ इन्होंने हमें कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर. हमें बताना है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट. एरिया फाइंड आउट हमें करना है. देन अब देखो देन की बात आ गई, देन के बाद मतलब जो भी लिखा है वो हमें प्रूफ करना है, फाइंड आउट करना है, तभी हमारी एजर्शन ट्रू होगी. तो हमें बताना है कि जो इसका एरिया है 5 मिनट्स में वो इतना है. ठीक है जी, बात समझ में आई. ओके, अब देखो अगर ध्यान से तो हमारे पास क्या होता है, जो मिनट हैंड है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होकर के वापस जब यहाँ पर आएगी तो कितने मिनट्स उसने ट्रेवल कर लिए होंगे, 60 मिनट्स. 60 मिनट्स के बाद वो सेम पॉइंट पर आती है. ठीक है, 60 मिनट्स में जो उसने एंगल बनाया दैट इज़ इक्वल टू माय 360 डिग्री. पूरा सर्कल घूम कर आ गई, दैट मीन्स एंगल कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का. तो हमें कितने टाइम में बताना है, हमें फाइंड आउट करना है 5 मिनट्स में. तो यूनिटरी मेथड लगा करके निकाल दीजिए कि 1 से करेंगे तो 60 को डिवाइड करेंगे, और जब 5 मिनट्स की बात आएगी तो इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. होप सो कि यूनिटरी मेथड आपको अच्छे से आता है. तो 60 को 360 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा. देन 6 × 5 हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आ गया, 30 डिग्री का. ठीक है, देन एरिया निकालना है हमको. अब एरिया देखो ये कौन सा एरिया बन रहा है,
फाइव मिनट्स में, देखो अभी यहाँ पर है तो फाइव मिनट्स में ये यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये अंदर का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो कौन सी फिगर बन रही है, दो रेडियस और एक आर्क, दैट मीन्स सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सब कुछ आपके पास आ चुका है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। थीटा कितने डिग्री का है, 30 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और रेडियस, रेडियस मतलब आर की पावर 2, तो रेडियस कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, देन यहाँ पर हमारे पास कितना है 12 आ जाएगा कैंसिल आउट करके, देन फर्दर कैंसिल करेंगे 11, तो यहाँ से कितना आ गया 11 इंटू 7 कितना होता है 77 डिवाइड बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आ रहा है एरिया, यही बोला था उन्होंने, तो दैट मीन्स assertion भी क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई अगेन। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर। अब आर्क की लेंथ का जो फॉर्मूला आपको इंट्रो में बताया वो हमारे पास क्या है, एंगल ध्यान रखना, एंगल कितना है थीटा और रेडियस कितनी है आर, इसका जो लेंथ का जो फॉर्मूला है वो हमारा ये होता है, यही होता है, ठीक है। तो assertion भी ट्रू हो गई, बट क्या हमने assertion को सॉल्व करते हुए लेंथ का फॉर्मूला यूज़ किया है, नहीं, हमने किसका यूज़ किया है, एरिया का। सो दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन नंबर बी होता है जो हमें ये बताता है कि दैट assertion एंड रीज़न बोथ आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाली वैल्यूज ध्यान से देखना, कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं बस और बात खत्म। तो हमको ये फॉर्मूला ध्यान से देखना है, ये वैल्यूज कई बार वो आपको क्या करेंगे, सपोज करो उन्होंने थीटा तो आपको जो है वो 2 थीटा बोल दिया और जो रेडियस है आपको वो 4 टाइम्स ऑफ आर बोल दी, तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज पुट करोगे ना तो आपका पूरा फॉर्मूला जो है वो चेंज करके दे देंगे आपको, मतलब रेडियस की जगह 4R और थीटा की जगह 2R, तो दैट मीन्स 4 नाइन्स था 36 तो 90 आ गया, यहाँ से क्या बन गया 2 टूज था 4, 4 पाई आर अपॉन 90 ऐसे दे देंगे, और बच्चे क्या सोचेंगे कि हमने तो ये पढ़ा हुआ है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, तो दैट मीन्स ये रॉन्ग है। नहीं भाई, आपको वैल्यूज भी ध्यान रखनी है कि थीटा और आर जो है वो, अगर थीटा और आर है, अगर थीटा और आर की वैल्यू चेंज कर दी गई है तो आपका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, जितना भी आपका कंटेंट था, जो आपका रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिया है। एंड इफ़ यू फाइंड माय दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।